नमस्ते फ्रेंड्स, एस्त्री क्राफ्ट से मौमिता। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ हैं और खुश हैं। दोस्तों, अमेज़न से मैं होम फर्निशिंग के लिए और किचन के लिए कुछ चीज़ें परचेस की हूँ और वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो फ्रेंड्स आज पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल एस्थेटिक क्राफ्ट। और दोस्तों, अगर आप DIY आर्ट एंड क्राफ्ट होम फर्निशिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल विजिट कर सकते हैं और मेरे वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला मेरा जो प्रोडक्ट है वो है एंटीस्किड वॉशेबल मल्टीपर्पज एक मैट। ये मैट आप किचन के लिए यूज़ कर सकते हो या बेड के साइड में भी एज ए बेड साइड मैट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, या चाहे तो आप बाथरूम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, ये जो मैट है ये दो के सेट में है, एक बड़ा और एक छोटा। और इसका जो मटेरियल है ये है पॉलिएस्टर और पीछे के साइड में रबर लगा हुआ है और दिखने में बहुत सुंदर है, मल्टी कलर है और इसका जो डिज़ाइन है मोरक्कन स्टाइल टाइप है, तो दिखने में अच्छा है। और क्वालिटी उतना, मैं क्या बोलूँ कि थोड़ा पतला है, उतना मोटा नहीं है, ठीक ठाक है, किचन के लिए या बाथरूम के लिए एकदम परफेक्ट है। कलरफुल होने के लिए और ये इसका जो डिज़ाइन है मोरक्कन डिज़ाइन होने के लिए ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है। और ये वॉशेबल है, आप साबुन से या कोई डिटर्जेंट से आप इजीली इसको साफ कर सकते हैं। दोस्तों, इस मैट को मैं 639 रुपीज़ में ख़रीदी हूँ। अगर आप लेने की इच्छा रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। अभी इसका रेट थोड़ा कम चल रहा है। दोस्तों, मेरा सेकंड प्रोडक्ट है एक रनर। ये एक बेड साइड रनर है और इसका जो स्टाइल है ये पर्शियन स्टाइल में है। दोस्तों, इसका मटेरियल भी पॉलिएस्टर है और दिखने में थोड़ा विंटेज लुक देता है, पर हाँ, ये कारपेट की तरह उतना सॉफ्ट नहीं है। और इसका रेट पड़ा है मुझे 449 रुपीज़। दोस्तों, मेरा थर्ड आइटम है कार्टन। ये मैं डोर के लिए ख़रीदी हूँ और इसका जो हाइट है ये 7 फीट बाय 4 फीट है और एक पैकेट में दो है। और इस कार्टन में ऑलरेडी स्टेनलेस स्टील का रिंग लगा हुआ है। ये कर्टेन पॉलिएस्टर से बना हुआ है पर बहुत सॉफ्ट है और इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा, दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव। इसमें कुछ फ्लावर्स और लीव्स बना हुआ है ऊपर की तरफ और नीचे बहुत सारे डिज़ाइन है, पर बीच में थोड़ा कम है, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है। दोस्तों, इसका एक पैक में दो का सेट आता है और इसका दाम मुझे पड़ा था 899 रुपीज़। दोस्तों, अगला प्रोडक्ट मेरे किचन के लिए है। दोस्तों, मैं किचन के लिए एक कढ़ाई ख़रीदी हूँ केंट का और ये स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है। मैं चाहूँ तो इसको गैस या इंडक्शन दोनों में ही यूज़ कर सकती हूँ।
दोस्तों एल्युमिनियम हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो इसी के कारण मैं धीरे धीरे मेरे किचन से सारे एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं उसको डिस्कार्ड करके नया स्टील वाला बर्तन मैं खरीद रही हूँ। और मैं हॉकिंस का भी पहले एक सेट खरीदी थी कढ़ाई का, और ये एक छोटा कढ़ाई मैं स्पेशली पूरी और पकौड़ा तलने के लिए खरीदी हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा ही खाना बनाना है तो उसके लिए बहुत सूटेबल है, और खाना गर्म करने के लिए भी जो खाना बच जाता है उसको गर्म करने के लिए भी ये बहुत सूटेबल है। दोस्तों इसके साथ एक बहुत ही सुंदर हैंडल है जो कि एकदम कूल टच हैंडल है, और ये बहुत हेल्प होता है खाना बनाने के टाइम। और ये एक लीड भी है दोस्तों, इसके पीछे एल्युमिनियम शीट लगा होने के कारण ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और ये जो कढ़ाई है स्टील का बना हुआ है तो डिशवाशर में भी हम इसको क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों पर्टिकुलर इस कढ़ाई का जो कैपेसिटी है 1.6 लीटर्स है, और इसका साइज़ है 18 सेंटीमीटर, और मुझे ये पड़ा है 1623 रुपीज़। और इसका 20 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर में भी ये मिल जाएगा। दोस्तों ये एक वुडन फोल्डिंग स्टैंड है, ये हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हम किताब वगैरह रख सकते हैं, या हमारे बालकनी में पॉट फ्लावर पॉट रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये तो अंदर ही रखूँगी घर के अंदर, और देखते हैं इसके ऊपर मैं क्या रखती हूँ। और इसका रेट पड़ा है 293 रुपीज़, बहुत ही सस्ता है। जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से इसका रेट मुझे सस्ता ही लगा। दोस्तों सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर इसमें से किसी भी आइटम आपको ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय।